देख रहे हैं पीपल न्यूज़ में आपके साथ मानसी से। देखते हैं आज की खबर। औरंगाबाद के गौ प्रखंड में जय जवान जय किसान महागठबंधन जिंदाबाद के बैनर तले रैली किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी शामिल हुए। रैली की अध्यक्षता राजकुमार जी ने किया, साथ ही गौ विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष विनोद सिन्हा जी ने रैली की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी ली। उनके साथ ही प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुशवाहा जी, राष्ट्रीय कोधार अखिया राजेश यादव जी, सांसद प्रतिनिधि अशोक मेहता, काराकाट चुनाव प्रभारी विनय सिंह, विधानसभा के प्रभारी राजकुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष बबलू कुमार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार, कांग्रेस महासचिव अरविंद सिंह और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दीपक को प्रकाशित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ फिर से नीतीश कुमार जी को निशाना साधते हुए कहा कि सुशासन की राज में मास्टरों को एक सेल्फी बना दिया गया है, पढ़ाने पर ध्यान ना देकर बल्कि खिचड़ी बनवाकर खिलाने का काम किया जा रहा है। हमारे बिहार की स्थिति इस तरह दयनीय है कि जिस मास्टर को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए वही टीचर ज़्यादातर खिचड़ी खिलाने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह से बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, बल्कि वे और अंधकार में चले जाएंगे। कम से कम दो केंद्रीय विद्यालय, मैंने कहा था दो केंद्रीय विद्यालय कहने के पीछे मेरी मंशा थी। ये केंद्रीय विद्यालय सोन के इस पार और एक केंद्रीय विद्यालय सोन के उस पार, क्योंकि अपना लोकसभा क्षेत्र दो हिस्सों में बटा हुआ, और तब मैंने प्रयास शुरू किया। और यही बात बिहार के संदर्भ में पटना में मीडिया के बंधुओं ने जब मुझसे पूछा कि शिक्षा विभाग में रहते हुए बिहार के लिए आप क्या कीजिएगा, मैंने वहां भी कहा कि मैं बिहार में तमाम जगह लगभग 6 जिले ऐसे उस वक्त थे, आज भी है, जहां एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, अभी भी नहीं है। मैंने कहा कि जहां जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है जिन जिलों में, या फिर उसके अतिरिक्त जहां जहां विद्यालय है उसके अलावा भी राज्य की सरकार जितना केंद्रीय विद्यालय खुलवाना चाहती है बिहार में, केंद्रीय विद्यालय का विधिवत ढंग से प्रस्ताव भारत सरकार में हमारे यहाँ भेजे, हम सब जगह केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम करेंगे। हम यह बात समय सही, मैं उन लोगों की तरह नहीं कि जनादेश लेकर जाए लालू यादव जी के साथ रहने का और जब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसकी नजर में जनता का सवाल पीछे छूट जाए और उस जनादेश का अपमान करके लोगों को जनता को धोखा करके और फिर से दूसरी जगह जाकर मुख्यमंत्री बन जाए, उन लोगों में से उपेंद्र कुशवाहा नहीं। अगर बीच में मैं यह करता तो मेरे ऊपर भी वादा खिलाफी का आरोप लगता, लेकिन तब भूटन की स्थिति रहते हुए मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कोशिश की, ठीक है बहुत बात न हो लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम वहां रहते हुए जरूर मैं कर सकूं, इस बात का मैंने प्रयास किया। आपको याद होगा प्रारंभ में अपने लोकसभा क्षेत्र में कुछ बड़ी सड़कों का, नई सड़कों का निर्माण मैं करा पाऊं और इसी संदर्भ में बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, इस बात ओबरा से बेलपौतू होते हुए अरवल से जहानाबाद जाने वाली जो एनएच रोड है, इस सड़क को एनएच रोड के रूप में परिवर्तित कराने का प्रयास मैंने किया और आपको जानकर खुशी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी अभी भी ना हो, बहुत सारे लोगों को जानकारी है। इस काम में मैं सफल रहा, ओबरा से बेलपौतू होते हुए अरवल जहानाबाद सड़क में एनएच रोड बनाने की स्वीकृति भारत सरकार से हमने उसी समय दिलवा देने का काम किया, रोड की स्वीकृति मिल गई है,
लेकिन बाद में कुछ प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत उसका डीपीआर बनता है, एस्टीमेट बनता है, फिर काम के लिए पैसा अलॉट होता है, आगे काम होता है। पुलवामा में बीएसएफ के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण किया और कहा, नरेंद्र मोदी जी से हम चाहेंगे कि हमारे देश के सुरक्षा बल को छूट दी जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।